आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है, डैश इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन व्हिच इज हार्डेस्ट इन नेचर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है जो कि हार्डेस्ट इन नेचर है, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकन या फिर कार्बाइड। तो ये बात तो हम अच्छे से जानते ही हैं कि सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट क्या है कार्बन के एलोट्रॉप्स में, वो है डायमंड। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन के एलोट्रॉप्स किन किन फॉर्म में पाए जाते हैं? कार्बन पाया जाता है डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है ना, ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, फुलरेंस के फॉर्म में पाया जाता है, और इन सब में ही कार्बन क्या होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड। और ये प्रॉपर्टी, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर आती क्यों है? ये प्रॉपर्टी इसके अंदर इसलिए आ जाती है क्योंकि जो हमारा कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी जब 4 होती है कार्बन की, तो ना ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है ना आसानी से ले सकता है। तो ये क्या करता है, ये समझौता करता है, ये आधे जो है अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, जो कि इसके लिए आसानी से हो जाता है। तो इनकी बात करें डायमंड की, सबसे पहले डायमंड की बात करें तो डायमंड क्या होता है, ये एकदम जो है ट्रांसपेरेंट वाइट सॉलिड होता है और ये एकदम क्रिस्टल की तरह दिखता है। इसकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि कितनी ज़्यादा ये हीट सह सकता है, ये हाईएस्ट होती है इसकी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है नेचर में। और हार्डनेस, ये दो चीज़ें जो होती हैं डायमंड की सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि डायमंड को बनने में इतने साल लग जाते हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है कि वो इतना हार्ड होता है कि वो कितनी भी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसकी हार्डनेस तो बहुत ही ज़्यादा, निहायत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा लगा होता है, इतना ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर लगा होता है जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। फिर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट बहुत ही ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये लेयर्स में होता है, और ये जो लेयर्स होती हैं ये वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़ी होती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, आसानी से इसकी स्लाइसेस करी जा सकती हैं, वो भी इक्वल इक्वल, जो कि एकदम बराबर की दिखें। फिर फुलरेंस की बात करते हैं तो फुलरेंस क्या है, सिलिकन कार्बाइड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नहीं है। फुलरेंस की बात करें तो फुलरेंस कैसा दिखता है, फुलरेंस एकदम बिल्कुल बास्केटबॉल जैसा दिखता है, और इसके अंदर भी कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है इस तरीके से कि वो एक बास्केटबॉल का शेप ले लेता है। तो हमारा जो आंसर है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सी है, तो वो डायमंड है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कंडीशंस में रहता है, इंटेंस एटमॉस्फेयर में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह लगा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड हो जाता है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और हार्डनेस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।